Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल। साथियों, आज हम करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, यह किस तरह से वर्क करता है और यह कितने प्रकार का होता है, आज हम इस वीडियो में इसके प्रकार, इसकी वर्किंग जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों कि स्टीयरिंग सिस्टम क्या है। साथियों, स्टीयरिंग सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रणाली है जो वाहन को डायरेक्शन देने का काम करती है। ड्राइवर को मनचाही दिशा में वाहन को मोड़ने में सहायता करती है और इसमें बहुत से पार्ट्स लगे होते हैं जो इस प्रणाली को सक्षम रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। साथियों, जो मुख्य कार्य होता है स्टीयरिंग का, वो होता है रोटरी मोशन को, स्टीयरिंग व्हील के रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलना। यानी कि जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं रोटरी मोशन में और वो रोटरी मोशन फिर व्हील लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे वाहन टर्न कर जाता है। और जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि स्टीयरिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग व्हील गियर लिंकेज और वाहन की गति की दिशा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक घटक है। यानी कि इसके अंदर बहुत से पार्ट लगे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्टीयरिंग व्हील गियर, स्टीयरिंग गियर लिंकेज और भी अन्य कई पार्ट होते हैं, जैसे कि टाई रोड, बाल बैरिंग, ये सब इसके अंदर लगे होते हैं और ये सहायता करते हैं स्टीयरिंग को कार्य करने में। और साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्टीयरिंग का एक डायग्राम है, जो एक साधारण सा चित्र जिसके अंदर स्टीयरिंग को दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं स्टीयरिंग कॉलम, यूनिवर्सल जॉइंट, रैक हाउसिंग। साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि एक स्टीयरिंग की जो वर्किंग है, उसका एक साधारण सा एक चित्र के माध्यम से मैं आपको उसकी वर्किंग समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, हम चलते हैं स्टीयरिंग की वर्किंग के ऊपर। साथियों, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक स्टीयरिंग सिस्टम का एक साधारण सा चित्र है जिसमें एक स्टीयरिंग को दर्शाया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जितने भी स्टीयरिंग होते हैं, जो भी स्टीयरिंग होता है, उसमें एक रैक होता है, एक उसमें एक पिनियन होता है, रैक एंड पिनियन। जो रैक होता है वो एक स्ट्रेट गियर होता है जिसके अंदर टीथ कटे रहते हैं, और जो पिनियन होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है जिसमें टीथ कटे होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चलते हैं जिससे ट्रैक्शन प्राप्त होती है हमें। और उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ चित्र के ऊपर। हम देखते हैं कि ये जो है स्टीयरिंग व्हील है और नीचे स्टीयरिंग शाफ्ट, और ये हमारा पिनियन है और नीचे वाला रैक है, और यहाँ पे टाई रोड है और ये व्हील है साथी हमारे, और यहाँ पे लिंकेज है, स्टीयरिंग लिंकेज। साथियों, क्या होता है कि जब हम इस व्हील को घुमाते हैं रोटरी मोशन में, तो जो पिनियन होता है वो रैक के ऊपर मूव करता है, हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में ये मूव करता है, और जिसके कारण से स्टीयरिंग टाई रोड के माध्यम से वो डायरेक्शन प्राप्त करता है और हम वाहन को मोड़ पाते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जब हम स्टीयरिंग को 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं पूरा, तो हमारा जो स्टीयरिंग का जो एंगल है वो स्टीयरिंग 20 डिग्री तक ही घूम पाता है। जब हम स्टीयरिंग को 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं, तो हमारे जो स्टीयरिंग व्हील हैं वो ओनली 20 डिग्री ही घूम पाते हैं, 20 डिग्री तक ही रोटेट करते हैं, और जो हमारा स्टीयरिंग रेशो होता है वो होता है 18:1 होता है हमारा। इस तरह से हम इसका रेशो निकालते हैं, और ये स्टीयरिंग की एक छोटी सी वर्किंग थी। और साथ ही मैं दोबारा से चलता हूँ बुक के ऊपर, और हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसकी आवश्यकताएँ क्या क्या होती हैं, स्टीयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएँ क्या क्या है।
आवश्यकताओं का मतलब होता है कि जो स्टीयरिंग होता है वो कौन कौन से कार्य संपन्न करता है, वो किस तरह का होना चाहिए। इसमें दर्शाया गया है कि जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसकी जो निम्नलिखित आवश्यकताएँ वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसे चालक द्वारा स्टीयरिंग व्हील पर प्रयुक्त घूर्णन प्रयास को बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि स्टीयरिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि जब हम स्टीयरिंग व्हील पर एक हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील को मतलब कि आसानी से घूम जाना चाहिए, इसे एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर से आ गया कि इसे एक निश्चित परिणाम तक अपवर्तनीय होना चाहिए ताकि सड़क की सतह पर दोबारा झटके जिनको पहियों को सामना करना पड़ता है चालक के हाथ को प्रशिक्षित न होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो अब हम वाहन चलाते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है टायरों की, वाइब्रेशन वगैरह होती है चलते समय सड़क पर, वो हमारे हाथों तक ना पहुँचे। और स्टीयरिंग सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जो वाइब्रेशन मुक्त होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि स्टीयरिंग यंत्रावली में समय सुधार पर होना चाहिए ताकि चालक मोड प्राकरण के बाद जब स्टीयरिंग व्हील को मुक्त करता है तो व्हील को सीधे आगे की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि जो हम वाहन को टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग टर्न होने के बाद अपने आप ही स्थिति में आ जाना चाहिए। और ये तीन इसके जो मुख्य आवश्यकताएँ थी वो इस प्रकार थी। और हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्टीयरिंग सिस्टम के प्रकार। स्टीयरिंग सिस्टम के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम और पावर स्टीयरिंग सिस्टम। साथ ही जैसे आपने देखा होगा मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम एक साधारण स्टीयरिंग होता है जो मैकेनिकल प्रणाली के ऊपर कार्यरत रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुराने व्हीकल थे उनके अंदर आमतौर पर मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज ट्रैक्टर हो गया, जो हमारे पुराने ट्रक्स और जो आजकल मॉडर्न व्हीकल आ रहे हैं उनमें हम पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी आसानी से वाहन को मोड़ने में सहायता करते हैं, जिसके अंदर ड्राइवर का जो फर्ट रहता है काफ़ी कम लगता है और आसानी से वाहन को हम टर्न कर सकते हैं और जो बहुत अधिक सुविधा पहुंचाता है ड्राइवर को उसे हम पावर स्टीयरिंग बोल देते हैं। साथ ही मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम। मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम में एक ऐसी प्रणाली होती है साथी जिसके अंदर पावर नहीं होती, पावर तो होती है लेकिन उसको घुमाने के अंदर काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है जो मैकेनिकल रूप से कार्य करता है। यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा यूनिट नहीं लगाते जो स्टीयरिंग को घुमाने का कार्य करती है, सिर्फ हमें अपने एफर्ट के द्वारा इसको घुमाना पड़ता है। और जो इसके अंदर गियर लगे रहते हैं वो काफ़ी हार्ड गियर होते हैं जिसे काफ़ी हमें जोर लगाना पड़ता है घुमाने के लिए। और साथियों मैकेनिकल स्टीयरिंग जैसे कि हमने बात की थी कि जो भी स्टीयरिंग होता है वो क्या करता है, व्हील के रोटरी मोशन को लीनियर मोशन बदलने का कार्य करता है। और जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है साथ ही उसके कुछ भाग होते हैं, उसके कुछ पार्ट होते हैं। आज हम कुछ इसके जो बेसिक पार्ट्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं पहले है स्टीयरिंग व्हील्स, उसके बाद स्टीयरिंग गियर। साथ ही स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, जो जिसके द्वारा हम जब गाड़ी चलाते हैं जब जो हमारे हाथ में जो स्टीयरिंग होता है वो स्टीयरिंग व्हील पहिया उसे हम स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं, जिसके द्वारा हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन बदलते हैं उसे हम स्टीयरिंग बोल देते हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि कॉलम एंड शाफ्ट ड्राइवर इनपुट्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग गियर। साथ ही जैसे कि स्टीयरिंग के नीचे रैक एंड पिनियन के पास स्टीयरिंग गियर भी होते हैं जो डायरेक्शन देने का कार्य करते हैं। स्टीयरिंग गियर होते हैं उनका कार्य होता है चेंज डायरेक्शन, रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग लिंकेज। स्टीयरिंग लिंकेज का मतलब होता है कि जो एक लिंकेज होता है जो कनेक्ट स्टीयरिंग गियर टू स्टीयरिंग आर्म, जो क्या करते हैं स्टीयरिंग गियर को और स्टीयरिंग आर्म को आपस में जोड़ते हैं कार्य करते हैं, हम स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं। उसके बाद है बाल जॉइंट होते हैं, बॉल जॉइंट होते हैं जो गोलाकार होते हैं, मतलब कि ये किसी भी दिशा में उसको घुमा सकते हैं। ये क्या करते हैं, हम कोई भी मूवमेंट हो स्टीयरिंग की कंपोनेंट सस्पेंशन उसको अलाउ करते हैं मूवमेंट करने में किसी भी दिशा में, जो टायर रोड के अंदर लगे होते हैं उसको हम बॉल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से दिखाई देता है जो हम चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बात करता हूँ स्टीयरिंग कॉलम की। स्टीयरिंग कॉलम इस तरह का होता है, जो पूरी जो व्यवस्था है इसको हम स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। उसके हम बात करता हूँ स्टीयरिंग गियर के साथ। जो स्टीयरिंग गियर होते हैं उनका मेन कार्य रहता है स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर। स्टीयरिंग गियर्स का मतलब होता है कि स्टीयरिंग गियर एक डिवाइस है जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है रोटरी मोशन ऑफ द व्हील, यानी कि जो व्हील होता है स्टीयरिंग व्हील होता है उसके जो रोटरी मोशन होता है उसको उसको कन्वर्ट करती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, यानी कि लीनियर मोशन में। और
और जो गियर होते हैं उनके कुछ गियर के प्रकार भी होते जाते हैं, जैसे कि जो स्टेयरिंग गियर होते हैं आपने देखे भी होंगे कई बार। तो जो पहला स्टेयरिंग गियर होता है वार्म एंड व्हील स्टेयरिंग गियर, और वार्म दूसरा होता है वार्म एंड सेक्टर स्टेयरिंग गियर, कैम एंड लीवर स्टेयरिंग गियर, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्टेयरिंग गियर, रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग गियर, ये कुछ प्रकार होते हैं साथियों जो स्टेयरिंग गियर होते हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं ये। और साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्टेयरिंग गियर होते हैं उनका सभी का काम होता है कि मतलब कि चेंज द डायरेक्शन, यानी कि जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना। और कुछ हमारे जो स्टेयरिंग गियर है वो कौन कौन से व्हीकलों में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वारम एंड रोलर बैरिंग, वो प्रयोग किया जाता है डीजल की कारों में और पद्मिनी गाड़ी में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद बात करता हूँ रीसर्कुलेटिंग स्टील बॉल बैरिंग जो पिकअप टाटा 407 में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद मैं बात करता हूँ वोम एंड कैम प्रकार का जो ट्रक में मार्गन प्लस 8 में प्रयोग किया जाता है फोर्ड में। रैक एंड पिनियन जो होता है वो एम्बेसडर डीजल स्टैंडर्ड क्रिसलर यूके के फ्रीकेट उनो जेन टेरियो उसमें प्रयोग किया जाता था। वो ये स्टेयरिंग गियर के प्रकार थे साथियों। और उसके बाद मैं बात करता हूँ पावर स्टेयरिंग की साथियों। स्टेयरिंग के जो प्रकार होते हैं मैकेनिकल स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग, और हम अब बात करते हैं पावर स्टेयरिंग की साथियों। पावर स्टेयरिंग एक ऐसा सिस्टम है जो स्टेयरिंग होता है मैकेनिकल, उसके साथ में हम कुछ ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिससे स्टेयरिंग घुमाने में आसानी हो जाती है। वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और हाइड्रोलिक भी हो सकती है, और ये अधिकतर उन गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है जहाँ पे इंजन आगे लगा होता है। और ये पावर का मतलब होता है कि स्टेयरिंग के अंदर एक्स्ट्रा एक जान डाल देना जिससे ड्राइवर को बिल्कुल कम प्रयास लगाना पड़ेगा गाड़ी को मोड़ते समय। और इसके अंदर हम हाइड्रोलिक जो सोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर भी लगा सकते हैं स्टेयरिंग को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, तो इसे हम पावर स्टेयरिंग कहते हैं साथियों। कुछ इस तरह का जो चित्र है ये पावर स्टेयरिंग का चित्र दिखाई दे रहा है आपको साथियों। ये पावर स्टेयरिंग का एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें हाइड्रोलिक पिस्टन होते हैं और पिनियन गियर, रोटरी कंट्रोल वाल्व, फ्लूइड लाइंस जो मतलब इसका जो स्रोत है इसको पावर देता है वो जो हाइड्रोलिक है। और इसमें हम साथ मोटर भी लगा सकते हैं स्टेयरिंग को घुमाने के लिए साथियों। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप स्टेयरिंग प्रणाली को समझ पाए होंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।